हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप रेंट पे कर रहे हैं या फिर रेंट रिसीव कर रहे हैं तो दोनों तरह से आपको एंट्री कैसे करनी है। रेंट पे करेंगे तो भी आपको कैसे एंट्री करनी है वो भी हम देखेंगे, रेंट रिसीव कर रहे हैं तो भी आपको कैसे एंट्री करनी है इस वीडियो में देखेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे जिससे कि आपको रेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि रेंट एक ऐसा आइटम है, अगर आप रेंट को पे करते हैं और आप साल भर में 240,000 रुपये से ज़्यादा पे करते हैं तो आपको TDS काटना पड़ता है। आई होप आपको ये पता होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको कंपनी ओपन कर लेनी है, कंपनी ओपन करने के बाद आपको वाउचर्स में आ जाना है, एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद अब हम एंट्री स्टार्ट करेंगे। पहले मैं बताऊंगा अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो आप कैसे एंट्री करेंगे। दो तरीके से एंट्री हो सकता है, आप डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं या फिर पहले आप रेंट को रिकॉर्ड कीजिए उसके बाद उसका पेमेंट कीजिए। तो अगर आप डायरेक्ट पेमेंट करेंगे तो आपको क्या करना है, F5 करना है, पेमेंट में आना है और आपको क्या करना है, रेंट एक्सपेंस को यहाँ पे लेना है। जो भी रेंट है पर मंथ, वो पर मंथ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 30,000 रेंट है, एंटर करना है 2। बैंक से पेमेंट करें तो बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, कैश से पेमेंट करें तो कैश सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर करके इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अगर आप डायरेक्ट रेंट पे कर रहे हैं तो। बट मैं ये वाला फॉर्मूला आपको नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप पहले रेंट रिकॉर्ड करेंगे फिर पे करेंगे तो कैसे एंट्री होगी। तो आपको आ जाना है जर्नल एंट्री में। जर्नल एंट्री में आने के बाद आपको क्या करना है, बेसिकली आपको रेंट पहले रिकॉर्ड करना है। तो रेंट एक्सपेंस तो डेबिट होगा ही, ठीक है। फॉर एग्जांपल 30,000 रुपये, 2 क्या आएगा, 2 वो पर्सन आएगा जिसको आप रेंट दे रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉमर्स वाले करके एक पर्सन है जिनको मैं रेंट पे कर रहा हूँ, तो मैं इनको क्रिएट करूँगा, एज अ क्रेडिटर मैं इनको क्रिएट करूँगा। अल्ट सी करके आप क्रिएट कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है इसलिए मैं इसको ओपन करके कंट्रोल एंटर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको नाम लिखना है एंड सन्ड्री क्रिएटर में इनको डाल देना है, ठीक है, अंडर में। इसके बाद आपको क्या करना है, एंटर कर देना है। अभी 30,000 आप अगर TDS पे नहीं कर रहे हैं तो सीधा इसको एंटर करके आप सेव कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम तब होगी जब आप TDS भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो 30,000 पे 10% अगर आप TDS काटते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27,000, ठीक है। मैं फिलहाल ऑन अकाउंट करता हूँ, 27,000 आ जाएगा। वापस 3,000 यहाँ पे आपको TDS काटना पड़ेगा, उसके लिए अगर हम देखेंगे TDS का लेजर बनाया नहीं है तो अल्ट सी करके आपको TDS का लेजर बनाना पड़ेगा। TDS 194 I, रेंट के लिए I होता है, ठीक है। हम एंटर करेंगे और हम इसको कहाँ पे डाल सकते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, समझ रहे हैं आप। और यहाँ पर हम TDS कर सकते हैं, ठीक है। इसको फिलहाल हम ऐसे ही रहने देते हैं, कंट्रोल ए कर देते हैं, मैनुअली सारा काम कर देंगे हम लोग, ठीक है। 3,000 रिकॉर्ड करना है, एंटर करना है, कंट्रोल ए कर देंगे, ये एंट्री जो है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आपको हर मंथ करना है। मैं फिलहाल एंट्री में आ जाता हूँ, मैं आपको एंट्री भी दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट में जाना है, यहाँ पे आना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। आप देख सकते हैं 30,000 का रेंट यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है, रेंट एक्सपेंस 2। अभी कॉमर्स वाले जो है ना, ये 27,000 क्रेडिटर में खड़ा होगा, क्रेडिटर में खड़ा होगा, इसको मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं क्रेडिटर में आ जाता हूँ, अगर आप देखेंगे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज में, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स में आप देख सकते हैं 27,000 यहाँ पे खड़ा है। ये अलग एंट्री है, ये जेवी जो हमने मारा है रेंट का, ये 27,000 खड़ा है। तो 27,000 हम यहाँ पे कैश अभी बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे पेमेंट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी एक पेमेंट का रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं एंटर करके दिखा देता हूँ। आपको सीधा कॉमर्स वाले सेलेक्ट करना है, मतलब क्रेडिटर सेलेक्ट करना है, उसके बाद कैश से पेमेंट करना चाहते हैं कैश सेलेक्ट कर लीजिए, बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे रेंट अगर आप रिसीव करते हैं तो आपको कैसे एंट्री पास करनी है। हम वापस वाउचर्स में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी रेंट रिसीव कर रहे हैं तो दो तरीके से रिसीव हो सकता है, या तो डायरेक्ट हम रिसीव कर लें या फिर पहले हम रिकॉर्ड करें कि रेंट रिसीव होने वाला है उसके बाद हम रेंट को रिसीव करें। तो अगर डायरेक्ट अगर आप रिसीव का एंट्री कर देंगे तो स्टार रिसीव्ड का एंट्री F6 करके आपको रिसीव्ड की एंट्री मारनी है। रेंट इनकम 2 तो रेंट इनकम एंड बैंक को आपको कर देना है डेबिट। तो अभी हम कैसे करना है, अल्ट सी करके हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। रेंट इनकम मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ये मेरा इनडायरेक्ट इनकम हो जाता है। मैं यहाँ पे फिलहाल कंट्रोल ए करके सेव कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल 35,000 मुझे मिलता है और बाई में क्या करना है, बैंक कर देना है सीधा, अगर बैंक में रिसीव हो रहा है, कैश में रिसीव हो रहा है तो कैश कर देना, ये सीधा एंट्री हो जाता है। ये आप कंट्रोल ए कर देंगे तो ये सीधा एंट्री खत्म हो जाएगी। बट हम क्या करेंगे, पहले रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद हम पेमेंट को रिसीव करेंगे। रिकॉर्ड करना है तो जेवी पास करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ओपन कर लिया हमने। अभी क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है आपको, ठीक है। रेंट इनकम
तो डेटर भी हमको डेटर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम डेटर क्रिएट कर देते हैं, पहले हम अल्ट सी करके डेटर क्रिएट कर देंगे। फॉर एग्जांपल एबीसी करके हैं जिनसे हमको रेंट मिलने वाला है। तो ये मेरा क्या है, सन्ड्री डेटर। कंट्रोल ए करके मैंने इसको सेव कर दिया। इनसे मुझे मिलने वाला कितना, फॉर एग्जांपल 35,000 मैंने यहाँ पे कर दिया, ऑन अकाउंट कर दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे टू क्या, रेंट इनकम, ये रहा 35,000 मैंने रिकॉर्ड कर दिया मुझे मिलने वाले हैं। कंट्रोल ए करके हम सेव कर देंगे इसको। अगर वापस हम पीएनएल में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम है 35,000 यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। और सन्ड्री डेटर्स में एबीसी लिमिटेड दिखेगा, एबीसी दिखेगा जिससे मुझे पेमेंट रिसीव होना है। तो अगर हम करंट एसेट्स में आएंगे, करंट एसेट्स में आप देख सकते हैं सन्ड्री डेटर्स, ये रहा 35,000 एबीसी लिमिटेड या फिर एबीसी जिसे मुझे रिसीव होना है। अभी इसे रिसीव होना है तो सीधा आपको क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी, बैंक में आया होगा तो आपको बैंक की एंट्री पास करनी पड़ेगी, F6 करना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, टू में क्या डालना है, एबीसी कितना 35,000 मुझे मिलना था, यहाँ पे 35,000 मुझे मिल गया, ठीक है। बाय यहाँ पे हम बैंक कर सकते हैं, कैश कर सकते हैं, जिस मोड से मिला रहेगा हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 35,000 मिलने वाला था, 35,000 मिल गया, काम खत्म। ऐसे हर महीने आपको एंट्री करनी है। आई होप आपको ये डिटेल में समझ में आ गया होगा। अभी एक चीज़ और पेंडिंग है, TDS वाला पोर्शन। अगर आप रेंट रिसीव कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप TDS भी, आपको आपका TDS कट होता है एंड कट होके अमाउंट आने वाला है, ठीक है। तो हम एंटर करेंगे तो ABC लिमिटेड कितना देगा मुझे, 3,500 माइनस करके देगा वो मुझे, ठीक है। 35,000 में से 3,500 माइनस करना है, उसके बाद हमको रिकॉर्ड करना है। हम क्या करेंगे यहाँ पे 31,500 कर देंगे, ऑन अकाउंट ही करेंगे यहाँ पे, वापस से बाय करेंगे क्योंकि TDS मुझे मिलने वाला है। ये भी 194i में ही आता है, ये आएगा 3,500 टू रेंट इनकम 35,000, अनसू कर देंगे सेव। अब सेव कर दिया हमने, तो सेव करने के बाद अभी मुझे पेमेंट रिसीव कितना होगा, 31,500 रिसीव होगा। तो अब मुझे बैंक में भी 31,500 ही आएगा और बाकी जो TDS है वो TDS रिसीवेबल करके खड़ा हो जाएगा। या फिर मैंने एक ही, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ही एंट्री मारी हुई है। मैं बैलेंस शीट में वापस आ जाता हूँ, करंट लाइबिलिटीज़ में, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आप देखेंगे ये 3,000 जो है ये क्या था मेरा, 3,000 मेरा जो TDS है वो मैंने कट किया था, ये 3,500 रिसीवेबल है। तो ये जो 3,500 है ना, अपना ITR फाइल कीजिए और उसके बेसिस पे आप रिफंड ले सकते हैं। ये जो 3,000 है ये आपको बेसिकली पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टैक्सेस रिलेटेड अगर आपको जानना है डिटेल में तो टैक्स रिलेटेड मेरा ऑलरेडी चैनल है कॉमर्स वाले, जैसा कि आपने देखा लेजर भी बनाया हुआ था मैंने यहाँ पे, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वहाँ पे टैक्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मेरा मेन जनरल टैक्स का है, तो मैं आपको डेफिनेटली वहाँ पे बता दूंगा कि कैसे आपको टैक्स रिलेटेड रिफंड्स लेने हैं, क्या करने हैं। ये वीडियो अगर आपको समझ में आई है एंड अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द